हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक ब्लैक ड्रेस कैसे बनाते हैं। वैसे तो फ़िलहाल मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पेज पे एक सीरीज़ कर रही हूँ जो कि है 31 डेज ब्लैक आउटफिट चैलेंज। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन इंक्टोबर चैलेंज, तो ये उसी का ही थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके मैंने ये बनाया है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने एक बेसिक क्रोकी तैयार कर ली है जिसमें मैं डेली आउटफिट्स ड्रेप करती हूँ। और ये आज मैं एक टर्टल नेक फुल बॉडीकॉन ड्रेस बना रही हूँ जिसमें मैंने फुल स्लीव्स रखी है। और अभी मैं लेआउट के लिए और फर्स्ट बेस के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं पेन टूल से अलॉन्ग द बॉडी पूरा गारमेंट का लेआउट रेडी कर रही हूँ। इफ़ यू आर कम्फर्टेबल विद पेन टूल तो वो कर लो, अदरवाइज ब्रश टूल लेके एक लेयर पे पहले क्या कर सकते हो कि फ्री हैंड स्केच ड्रॉ कर लो एंड देन उसके बाद फेयर आउट करो यूजिंग पेन टूल। बट सिंस बॉडीकॉन ड्रेसेस क्रोकी पे ड्रिप करना ईजी होता है, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली ड्रॉ करना। तो जैसे ही ड्रॉ हो, और ऑल्सो मेक श्योर कि पॉइंट्स जो है ना, एंकर पॉइंट्स एंड में जुड़े ताकि वो एक क्लोज्ड शेप हो और उसमें कलर फिल करने में इजी होगा। अब मेरे कलर के लिए मैंने बेस के लिए मैंने ब्लैक कलर ले लिया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और उससे मैंने कुछ एंकर पॉइंट्स को लेके शेप ठीक कर दिया। जहाँ पर पॉइंटेड नोट्स बन रहे थे उनको मैंने कर्व कर दिया। नाउ आफ्टर दिस, वंस यू आर डन विद इट, उसको सिलेक्शन टूल लेंगे। चलो उससे पहले मैंने क्या किया, अभी सैंडल के लिए सेम मैंने पेन टूल लिया और उसी से मैंने ड्रॉ कर दिए। अब ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपको यूज़ करना है नहीं करना है या फिर कैसे क्या, वो आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने ड्रेस को सेलेक्ट किया यूजिंग सिलेक्शन टूल और उसको मैंने जो नीचे से थर्ड आइकन है जो कि है हमारा ड्रॉ इन साइड, मैंने वो मोड ऑन कर लिया। अब इसमें हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो विद इन दैट सेलेक्टेड एरिया ही रहेगा। ये बहुत कम लोगों को पता है कि इलस्ट्रेटर में ऐसा भी कुछ टेक्निक होता है, बट हाँ ऐसा होता है। इससे क्या, ये सॉर्ट ऑफ अ क्लिप मास्किंग है, जैसे फोटोशॉप में क्लिप मास्क करते हैं वैसा सा ही है। उसके बाद मैंने ब्रश लिया और ब्रश को मैंने ब्लर कर दिया। ब्रश में मैंने ब्लर इफेक्ट डाल दिया ताकि वो ऐसे शेडेड इफेक्ट आए। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको वेलवेट टेक्सचर देने के लिए मैंने ग्रे कलर लिया और उससे मैंने ब्रशेस में जहाँ जहाँ पर लाइट पड़ रही है वहाँ वहाँ पर मैंने ब्रश घुमा दिया है। अब ये आप या तो आप देख लो कि जैसे एम्फेसिस डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, शेप्स को थोड़ा क्लियर करने के लिए हम कर सकते हैं। तो वो लाइट एंड शेड का एक पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। अभी तो इसमें मैंने फ़िलहाल के लिए, बिकॉज इट वॉज़ अ क्विक इलस्ट्रेशन, तो मैंने बस कर दिया है कि हाँ एक लुक आ जाए, एक पता चल जाए कि हाँ बॉडी फोल्ड और बॉडी कर्व्स पे कैसे वो बॉडी कॉन ड्रेस हमारी एडजस्ट हुई है और वो फ्लैट ना लगे, इस वजह से मैंने ये यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने ऐसे ही कोई रैंडम सा शेप ड्रॉ कर दिया इधर उधर ताकि ताकि मैं अपने ब्रश को दोबारा से नॉर्मल ब्रश में कर दूँ। उसके बाद मैंने अपना ये कस्टम आर्ट ब्रश से एक नेक पे ऐसे दो तीन स्ट्रोक्स मार दिए रैंडम से, उसमें कुछ कुछ अलग कलर से भी ऐड कर दिया ताकि वो ऐसा लगे कि हाँ उसमें कुछ मैंने टेक्सचर या फिर डिज़ाइन डाला है। बट यू कैन डू जस्ट रैंडम स्क्रिबलिंग और डूडलिंग ताकि वो थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्टिंग और कुछ लगे कि हाँ उसमें कुछ ऐड किया हुआ है। तो हमारा ये पूरा इलस्ट्रेशन डन है। इसको जैसे हो जाता फिर हम नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, तो उसके लिए या आइकन क्लिक कर दो आप फर्स्ट आइकन, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपल शिफ्ट प्लस डी प्रेस करके वो कर सकते हो। तो ये हमारा फाइनल लेआउट रेडी है।